मेडिकल कोडिंग, जिसका एवरेज सैलरी पैकेज अप टू 6 LPA तक होता है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि मेडिकल कोडिंग एक पॉपुलर कोर्स और मोस्ट पॉपुलर जॉब ऑप्शन कैसे बन गया अमॉन्ग द मेडिकल स्टूडेंट। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है। अगर हमें मेडिकल कोडिंग को इजी वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो मेडिकल कोडिंग इसका मतलब जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो उन पे कई टेस्ट किए जाते हैं, कई दवाइयाँ दी जाती है, इस तरह से उनका पूरा डायग्नोसिस होता है। तो उस पेशेंट को जो भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई है हॉस्पिटल के द्वारा, उन सभी को जब एक अल्फा न्यूमरिक कोड में कन्वर्ट किया जाता है और जो डॉक्यूमेंट बनती है वो होता है मेडिकल कोडिंग। ये जो अल्फा न्यूमरिक कोड की डॉक्यूमेंट होती है वो मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री एंड हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्वारा यूज की जाती है। तो इस तरह से ये थी डेफिनेशन फॉर द मेडिकल कोडिंग। अब हम समझते हैं कि मेडिकल कोडिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया, क्या जरूरत थी मेडिकल कोडिंग की। अब जैसे आप सभी को पता है कि इस वर्ल्ड में पूरे बहुत सारे टाइप ऑफ दवाई अवेलेबल है फॉर वैरायटी ऑफ डिसीजेस। तो ये जो भी वैरायटी ऑफ डिसीजेस है, जो भी वैरायटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है फॉर द डिसीजेस, उन सभी को डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तब मेडिकल कोड के थ्रू इनको एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम इन मेडिसिन का या फिर इन डिसीजेस का या जो भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसका एक प्रॉपर ट्रैक रख सके। तो इसीलिए मेडिकल कोडिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द इजी ट्रैकिंग ऑफ डिसीजेस। ऑल्सो ये आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो मेडिकल कोडिंग के थ्रू जो भी कोड्स बनते हैं, जो भी अल्फा न्यूमरिक कोड्स बनते हैं और उसके बाद जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बहुत हेल्प करता है टू द पेशेंट फॉर देयर इंश्योरेंस क्लेम। तो इसीलिए मेडिकल कोडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आगे समझते हैं कि मेडिकल कोड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, यानी मेडिकल कोडर्स कौन कौन से टाइप के मेडिकल कोड्स यूज करते हैं। सो जो मोस्ट पॉपुलर कोड है फॉर मेडिकल कोडिंग दे आर ICD-10-CM, दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, एंड CPT, दैट इज द करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजिकल कोड। उसके बाद आता है HCPCS लेवल, दैट इज द हेल्थ केयर प्रोसीजर कोड, CDD, दैट इज द कोड ऑन डेंटल प्रोसीजर, एंड NDC, दैट इज द नेशनल ड्रग कोड। ये थे कुछ पॉपुलर मेडिकल कोड्स। इनके अलावा भी और कई मेडिकल कोड्स हैं जो एक मेडिकल कोडर यूज करते हैं टू बिल्ड अ अल्फा न्यूमरिक कोड ऑफ अ मेडिकल सर्विसेज। अब हम आगे देखते हैं कि एक मेडिकल कोडर आखिर काम कैसे करते हैं, यानी डेली लाइफ में उनका वर्क कैसे होता है। सबसे पहले तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उनको कौन सी मेडिकल सर्विसेज देनी चाहिए, एंड सारा जो डायग्नोसिस का डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्टर के थ्रू जाता है मेडिकल कोडर के पास। अब ये जो मेडिकल कोडर होता है वो उस डॉक्यूमेंट को पहले समझ लेते हैं कि ये जो डायग्नोसिस डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या प्रोसीजर की गई है, कौन सी चीज़ें यूज़ की गई है, क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, ये सब। इसीलिए एक मेडिकल कोडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास एनाटॉमी का नॉलेज, फिजियोलॉजी का नॉलेज, एज वेल एज द मेडिकल प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, उन सभी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक मेडिकल कोडर बनना चाहते हैं तो अपने बेसिक्स फॉर HAP, दैट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये क्लियर होने चाहिए। इसके बाद ये जो मेडिकल कोडर है उस डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, एंड समझने के बाद ही ये उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करते हैं मेडिकल कोड में, यानी अल्फा न्यूमरिक कोड में। अब ये जो अल्फा न्यूमरिक कोड की डॉक्यूमेंट होती है उस पेशेंट की, वो दी जाती है मेडिकल बिलर को। मेडिकल बिलर भी उस पूरे डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, एंड बाद में अप्रूव करते हैं। अप्रूवल के बाद ये फर्दर जाती है डॉक्यूमेंट टुवर्ड्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर द क्लेम अप्रूवल। अब क्लेम अप्रूवल के टाइम पे अगर कोई क्वेरी आती है तो उसे ये मेडिकल कोडर्स एंड बिलर सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर क्लेम अप्रूव होता है तो जो भी पेशेंट है उन्हें उनका क्लेम का जो अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जाता है।
तो इस तरह से ये पूरा मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग का सिस्टम वर्क करता है फॉर द इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो अब हम देख सकते हैं कि एक मेडिकल कोडर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज वेल एज इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब सबसे बड़ा सवाल, ये मेडिकल कोडर बनते कैसे हैं? एक मेडिकल कोडर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। उसके बाद जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है, जो भी हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, उन सभी का भी बेसिक नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको एक मेडिकल कोडर बनना है तो आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी करना पड़ सकता है। अभी दो मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल कोडर्स के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि है AAPC एंड AHIMC। ये अलग अलग टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स देते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन सर्टिफिकेशन कोर्स आते हैं, दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, CIC दैट इज सर्टिफाइड इन पेशेंट कोडर, एंड COC दैट इज सर्टिफाइड आउट पेशेंट कोडर। अगर आपको इन सर्टिफिकेट्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली इन सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये मेडिकल कोडिंग इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि मेडिकल कोडिंग में हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी है, यानी यहाँ पे आपको 6 LPA तक का भी पैकेज मिल सकता है अगर आपका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है और इंटरव्यू में अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हो। इसीलिए ये कोर्स बहुत पॉपुलर है अमंग द मेडिकल स्टूडेंट, और फार्मेसी स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इस कोर्स को कर सकते हैं। ऑल्सो इसकी और एक वजह है कि ये पॉपुलर है क्योंकि ये वैरायटी ऑफ फैसिलिटी देता है टू द मेडिकल कोडर्स, प्लस ये रिमोट जॉब ऑप्शन की भी अपॉर्चुनिटी देता है फॉर द मेडिकल कोडर्स। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।